हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर दतिया से, जहां 13 मई को चिरूला ग्राम के गल्ला व्यापारी की दुकान में घुसकर 70,000 के लूट का मामला सामने आया है। थाना उन्नाव क्षेत्र पटवारी की मोटरसाइकिल की लूट के आरोपी गिरफ्तार कर एसडीओपी गीता भारद्वाज ने खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक अमर सिंह राठौर के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना पर पुलिस ने संदेही रिंकू साहू पुत्र किशन साहू उम्र 25 साल निवासी लकारा को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तो आरोपी ने दोनों अपराध करना स्वीकार किया। और थाना चिरूला में हुई लूट की वारदात में प्रहलाद गुर्जर, सत्येंद्र गुर्जर, रंजीत गुर्जर, रानू परिहार निवासी लकारा और थाना उन्नाव में हुई लूट में प्रहलाद गुर्जर, नरेंद्र गुर्जर निवासी लकारा का साथ होना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक कट्टा बराबोर, एक जिंदा कारतूस, 6,000 रुपए, फरियादी का बैग, आधार कार्ड की छाया प्रति और मंडी की रसीद और लूटी हुई मोटरसाइकिल यमहा सल्यूटो बरामद की। आरोपियों की गिरफ्तारी में सब इंस्पेक्टर वैभव गुप्ता, सब इंस्पेक्टर मोहन सिंह मंडेलिया, सब इंस्पेक्टर दर्शन शुक्ला, सब इंस्पेक्टर गिरीश शर्मा, सब इंस्पेक्टर विजय लोधी, सब इंस्पेक्टर यादवेंद्र सिंह गुर्जर और सब इंस्पेक्टर अमित साहू की सराहनीय भूमिका रही। और उसी के ठीक के बाद उन्नाव में भी एक लूट हुई मोटरसाइकिल की, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई और उस टीम का नेतृत्व मेरे द्वारा किया गया। उस टीम ने इतना सराहनीय कार्य किया कि जो पुष्पेंद्र साहू के यहाँ जो लूट हुई थी और जो मोटरसाइकिल की लूट हुई थी, उस दोनों लूटों में एक आदमी कॉमन था। हम लोगों ने बहुत प्रयास करके जो कॉमन व्यक्ति था रिंकू साहू, उसको हमने गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की। पूछताछ पर उसने बारंबार अपनी घटना को बताया कि हाँ, हम लोगों ने मिलकर घटना की, अपने साथियों का नाम बताया उसने, जिसमें रंजीत प्रहलाद गुर्जर, सत्येंद्र गुर्जर, रंजीत गुर्जर, रानू परिहार और स्वयं, ये सब नकारा के निवासी हैं। इन लोगों ने मिलकर उसके पुष्पेंद्र सिंह साहू के यहाँ पर जो माल लूटा था उसको शिकायत किया है इसने, और जो मोटरसाइकिल 15 मई को रात को 9 बजे पटवारी से लूटी थी उसको भी स्वीकार किया है इसने। गुर्जर इसके साथ में प्रहलाद, नरेंद्र और रिंकू, इन तीनों ने मिलकर 15 मई की रात को 9 बजे ये लूट की थी।